मसूरी और धनोल्टी में लगातार हो रही बर्फबारी से जहां एक तरफ सैकड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को दिन में ही अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और साथ ही यातायात पूरी तरह से ठप पड़ चुका है। कार रिक्शों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई है और देखिए किस तरह लोगों की तरफ से बर्फ में फंसी कार को धक्का मारकर निकाला जा रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही बर्फबारी जहां एक ओर पर्यटकों के लिए वरदान साबित हुई है, वहीं स्थानीय लोगों की लगातार परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। सड़क से लेकर और तमाम चीजों की बात करें तो इस समय तो पूरा जनजीवन इस समय अस्त व्यस्त हो चुका है। हमारे साथ हैं कुछ लोग, आइए बात कर लेते हैं, जान लेते हैं किस प्रकार की दिक्कतें परेशानियां हो रही हैं बर्फबारी के चलते। जी आपका नाम? अजय राव। राव जी क्या कहेंगे, जो बर्फबारी हो रही है कहीं ना कहीं अगर पर्यटक यहाँ पर आ रहा है वरदान साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं मुसीबतें भी बढ़ी हैं, किस प्रकार की मुसीबतें बढ़ी हैं? देखिए जी, कोई काम होता तो अच्छे के लिए भी होता है, बुरे के लिए भी होता है। तो जैसे सबसे पहले मैं बोलूंगा पर्यटकों के लिए तो बहुत अच्छा है कि वो एंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं। हम लोगों के लिए अच्छा है कि पर्यटक आएगा तो हमारा बिजनेस चलता है, लेकिन साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों के लिए परेशानी रहती है। जैसे कि सबसे बड़ी परेशानी होती है पार्किंग की, और लोग फिसलते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, और दूसरा बिजली की परेशानी हो जाती है। बिजली से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि एक तो ठंड होती है और बिजली नहीं होती तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे लिए ठीक ठाक है। इन्होंने कहा है कि बिजली पानी जैसी तमाम परेशानियां भी हो जाती हैं कहीं ना कहीं, जो ओवरऑल अगर ये देख रहे हैं तो पर्यटक की दृष्टि से, पर्यटन की दृष्टि से इन्हें बहुत बढ़िया भी लग रही है बर्फबारी। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर आपका नाम? हरीश। हरीश जी क्या कहेंगे, जो बर्फबारी हुई है कहीं ना कहीं वरदान साबित हुई है या कितनी मुसीबतें इससे हुई है? नहीं, वरदान तो है ही, कह रही है, मगर इसके वजह से सिस्टम खराब है बस। अगर सिस्टम इन चीजों को सुधार दे तो फिर ये तो वरदान ही है। ये तो हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि बर्फबारी जहाँ एक और वरदान साबित हुई है, वहीं कहीं ना कहीं इसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। तमाम मार्ग अभी भी जो है पूरी तरीके से सुचारू नहीं हो पाए हैं। हालांकि प्रशासन लगातार सुचारू करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं समस्या बनी हुई है। आशीष भट्ट, R9 TV, मसूरी।